नमस्कार जी। मैनू देख रहे सारे जिन्हें भी लोग देख रहे हैं, पहला तो सारे नू मैं हाथ जोड़ के बेनती करदा, नमस्कार करदा। जिदा कि तुसीं सारे जानते हैं, कुछ दिनों तो एक मैटर लवली यूनिवर्सिटी का कि किस तरीके लवली यूनिवर्सिटी के अंदर 3,000 तो वध स्टूडेंट और स्टाफ का वो रह रहे हैं इस करोना बीमारी के दौरान भी। और ये पिछे जो रिपोर्ट सब मीडिया थ्रू पता लगी सी कि किस तरीके लवली यूनिवर्सिटी ने झूठ बोलिया और कहा कि साड़ी यूनिवर्सिटी सिर्फ 300 स्टूडेंट ने जिहड़े फॉरनर ने, विदेशों रहने वाले ने। मगर जो मामला सामने आया कुड़ी का करोना पॉजिटिव होने का, उस तो बाद SDM की जो रिपोर्ट आई उस साफ तौर पर कहा गया कि लवली यूनिवर्सिटी अंदर जो जाके देखा गया उत्थे 300 नहीं 3,000 तो वध लोग पाए गए। ये SDM की रिपोर्ट है, ऑन रिकॉर्ड है। सो ये पहला अज जो होया ये एक हाई डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने नोटिस जारी किया लवली यूनिवर्सिटी कि तुसी सरकार, भारत सरकार, पंजाब सरकार जिहड़े कानून है उन्होंने उलंघना करते हुए तुसी जो उलंघना की है, क्यों ना ताड़ी जिहड़ी है यूनिवर्सिटी की NOC जिहड़ी है वह रद्द कर दी जाए। ये दो जिहड़े ने एक नोटिस और एक SDM की रिपोर्ट सामने आई सी। उस तो बाद मैं हाईकोर्ट मानयोग हाईकोर्ट पंजाब ने हरियाणा चंडीगढ़ दे सामने एक PIL पब्लिक इंट्रस्ट लिटिगेशन जो कि लोगों के भले होंगी है PIL वो मैं फाइल की, जिंदी तरीक सी और 12 बजे हीयरिंग सी वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। दोपहर 2-3 बजे तो लवली यूनिवर्सिटी वालों एक क्लेम किया गया और शामी 8 बजे के करीब मेरी और लवली यूनिवर्सिटी के जिहड़े अमन मित्तल है वो टैलीफोन ते लाइव News 18 ते डिबेट भी हुई, जिस अमन मित्तल ये कह रहे हैं कि हरियाणा हाईकोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट वालों मेरे वालों साहिल सांपला वालों जिहड़ी पटीशन फाइल की गई सी, PIL फाइल की गई सी, उन्हों जो है खारज कर दिता गया, रिजैक्ट कर दिता गया। मैनू जान के बड़ी हैरानी हुई कि इहो जिहे लोग ने जिहड़े यूनिवर्सिटी चला रहे हैं जिन्हां नूं हजे तक यही नहीं पता कि खारज करन दा मतलब डिस्पोज ऑफ रिजैक्ट दा मतलब नहीं पता। सो पहला तो मैं चैलेंज करना लवली यूनिवर्सिटी नूं और अमन मित्तल जी नूं कि क्या उन्हां दे कोल पंजाब एंड नाम जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट दे इस ऑर्डर की कॉपी है। अगर नहीं है तो इट मीनस कि वह मीडिया के थ्रू लोगों नूं गुमराह कर रहे हैं। अगर उन्हां कोल कॉपी नहीं है तो उन्हें बयान किदां दिता है, वो TV ते आके लाइव डिबेट था, एक कंटैम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी केस है क्योंकि हाईकोर्ट का जब आदेश ही नहीं आया तो हाईकोर्ट के मसले पर कितना उत्ते टिप्पणी कर सकते अपनी, जब हाईकोर्ट ने कोई आदेश ही नहीं दिता। डिबेट हुई है, सब कुछ होया, मगर हाईकोर्ट के ऑर्डर की कॉपी हजे तक नहीं आई। उन्हें कहा जी यूनिवर्सिटी वालों कहा गया जी कि हाईकोर्ट की वैबसाइट पर लिखता डिस्पोज ऑफ। मैं इन्हों समझा चाहूँगा पढ़े लिखे अनपढ़ जड़े ने कि डिस्पोज ऑफ मतलब सुनवाई हो गई है, रिजैक्ट का मतलब होंगे खारिज की गई है, यानी वर्ड यूज किया गया हाईकोर्ट स्लैम्स विजय सांपला सन, एक केड़ी अथॉरिटी ने लाइना यूज कर रहे हैं। सो मेरे बड़े सौखे और बड़े आसान जहा सवाल ने 2-3 ताडे सारे मीडिया के थ्रू कि क्या लवली यूनिवर्सिटी को और अमन मित्तल को हाईकोर्ट के आदेशों की कापी है, जे नहीं है तो किस आधार पर उन्हें यह बयान जारी किया। उन्हें क्या डिसमिस हुई, हजे तक डिसमिस का कोई ऑर्डर नहीं, कोई ऑर्डर की कापी नहीं। सो इस करके मेरे वालों, क्योंकि कल मैं उन्होंने कानूनी नोटिस देने जा रहा मानहानि का, और दूसरा जिहड़ा है कंटैम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट की अवहेलना की उन्हें, कोर्ट की जिहड़ा अनादर किया उन्हें, कोर्ट की कार्रवाई च बाध्यता पाई है उन्हों, और बयान दे के मीडिया के थ्रू इनू लोगों नू जिहड़ा भ्रमित करने की कोशिश की है। सो मेरी जिहड़ी पटीशन हजे तक कितने रिजैक्ट नहीं हुई, कोई हाईकोर्ट का इधर ऑर्डर नहीं आया, मैं अपनी गल ते स्टैंड है और मैं कल लवली यूनिवर्सिटी ते मानहानि दा और कंटैम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक केस होर फाइल कर जा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद।